ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20I मैचों की श्रृंखला का 5वां मुकाबला रविवार यानी आज 3 दिसंबर को खेला जाना है। लेकिन इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 4थे T20I मैच में चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय टीम के पूरी प्लेइंग 11 को बदल दिया है। तो आगे इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि 5वें T20I के लिए भारतीय टीम के शानदार प्लेइंग 11 क्या होगा, यह मैच कितने बजे से खेला जाएगा और किस स्टेडियम में खेला जाएगा, सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम 5 T20I मैचों की सीरीज में से पहले, दूसरी तथा 4थे T20I मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद सीरीज अपने नाम कर चुकी है और अब बारी है ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से क्लीन स्वीप करने की। 4थे T20I मैच में भारतीय टीम शानदार जीत दर्ज किया था, जिसके बदौलत भारतीय टीम सीरीज तो जीतने में कामयाब रहा ही, लेकिन अब भारतीय टीम पाकिस्तान को पछाड़ करके सबसे ज़्यादा T20I मैच जीतने वाले इकलौती टीम भी बन गई है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अभी तक 226 T20I अंतर्राष्ट्रीय खेला है, जिसमें से 135 में जीत दर्ज किया है। लेकिन भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब 213 T20I मैचों में से 136 में जीत दर्ज कर लिया है। इसी के साथ भारतीय टीम सबसे ज़्यादा T20I मैच जीतने के मामले में नंबर 1 बन गई है। तो चलिए आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5वें T20 मुकाबलों को भी अपने नाम करने के लिए कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ियों को अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है और कौन कौन से खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम T20I वर्ल्ड कप 2024 जीते, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि वर्ल्ड कप 2024 और IPL से जुड़े हर न्यूज़ आपको मिलती रहे। दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग जोड़ी में एक बार फिर से बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया है। यशस्वी जायसवाल बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है। इन्होंने पिछले कई मैचों में भारतीय टीम के लिए एक शानदार शुरुआत दिलाई है। 4थे T20I मैच में इन्होंने 28 गेंद पर 37 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था और उस मैच में इनका स्ट्राइक रेट 132.14 का था। हालांकि इन्होंने 2 शानदार कैच भी लपका था। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में बात किया जाए तो ये भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत में रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और अंत समय में जब रन गति तेज करना होता है तो यह खिलाड़ी बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगता है। इन्होंने पिछले मैच में 28 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 32 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। उस मैच में इसका स्ट्राइक रेट 114.29 का था। तीसरे और चौथे नंबर के बारे में बात किया जाए तो तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने वाले हैं, वहीं पर चौथे नंबर पर उप कप्तान सुरेश अय्यर बल्लेबाजी करने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव तो 360 डिग्री प्लेयर है, कहीं भी फील्डर लगा दो इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह खिलाड़ी ग्राउंड के किसी भी हिस्से में छक्का मार सकता है। हालांकि पिछले मैच में कप्तान सूर्य काफी सस्ते में आउट हो गए थे। इन्होंने 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन ही बना पाए थे। वहीं पर चौथे नंबर पर सुरेश अय्यर भी स्पिनर के खिलाफ काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि सुरेश अय्यर का तेज गेंदबाज के खिलाफ पुल शॉट पर उतना कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन अब इन्होंने पुल शॉट में भी काफी सुधार लाया है। तथा 5वें और 6ठे नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर विकेट कीपर जितेश शर्मा एक बार फिर से खेलने वाले हैं, वहीं पर 6ठे नंबर पर विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह एक बार फिर से खेलने वाले हैं। पिछले मुकाबले में जब सभी आउट हो गए थे तो यही दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को संभाला था। हालांकि उस मैच में जितेश शर्मा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे थे। रिंकू सिंह ने 29 गेंद पर 46 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, तो वहीं पर जितेश शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रनों की एक विस्फोटक पारी खेली थी। वहीं 7वें नंबर पर एक बार फिर से ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलने वाले हैं। पिछले मैच में अक्षर पटेल ने 3 विकेट झटके थे और उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी यही रहे थे। वहीं 8वें नंबर की बात किया जाए तो दीपक चहर एक बार फिर से खेलने वाले हैं। दीपक चहर भी पिछले मैच में 2 विकेट झटके थे। 9वें नंबर के बारे में अगर बात किया जाए तो 9वें नंबर पर रवि बिश्नोई एक बार फिर से खेलने वाले हैं। रवि बिश्नोई इस सीरीज में पावर प्ले में विकेट लेने में माहिर है। वहीं पर 10वें नंबर की बात किया जाए तो 10वें नंबर पर मुकेश कुमार एक बार फिर से खेलने वाले हैं। मुकेश कुमार लास्ट में आकर के बहुत सारे यॉर्कर डालते हैं, जिससे बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत होता है। वहीं पर 11वें नंबर की बात किया जाए तो 11वें नंबर पर एक बार फिर से आवेश खान खेलने वाले हैं। तो इस तरह से भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में 5वें T20 अंतर्राष्ट्रीय में भी कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है।
और मैं आपको बता दूं कि यह T20I जो मैच है वह बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाना है, और यह मैच 7 बजे से ही स्टार्ट होगा और इसका टॉस 6:30 बजे उछाला जाएगा।